दोस्तों फ्रांस की एक घटना जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। ये घटना देखकर लोगों को समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। आइए जरा आप भी देख लीजिए। Ça c'était le 28 mai, le jour de la fête des mères. Je revenais de mon week-end à Coulommiers et c'était j'arrivais sur Paris, dans la porte de Bercy, vous voyez, sur l'autoroute A4 vers Saint-Maurice. Je regarde dans mon rétro et si vous voulez, j'ai vu une moto au loin arriver et je me disais, ça roule près du bord du mur. Je croyais qu'il y avait quelqu'un, moi, je me doute pas qu'il y a personne sur la moto. Et d'un coup, je ralentis et je me perçois qu'il y a personne sur la moto. Donc je commence à mettre les warnings quand même pour sécuriser. Ce bike que Malik ne bataille à qui est Durgotna, tab hui jab wo highway par kai ja raha tha. और अचानक से एक कार ने उसे टक्कर मार दी। उसके बाद क्या हुआ, इस मोटरसाइकिल के मालिक ने बाद में फ्रेंच अखबार से इंटरव्यू में कहा कि टक्कर लगने से वह बाइक से गिर गया। हॉस्पिटल जाने से पहले उसने बाइक को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे बाइक कहीं मिली ही नहीं। हुआ ये था कि उसकी बाइक 600 मीटर तक अपने आप दौड़ती चली गई और आगे जाके गिर गई। उसने कहा कि वो खुद भी हैरान है कि ऐसे कैसे हो सकता है। मोटरसाइकिल के स्टंट करने वाले मशहूर जेनी पेरी ने कहा कि ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, एक मोटरसाइकिल 600 मीटर तक बिना किसी राइडर के चली गई। दोस्तों आपको क्या लगता है कि एक बाइक 600 मीटर तक अपने आप जा सकती है, कमेंट में जरूर बताना। उससे पहले वीडियो को लाइक ठोको और शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन भी दबा दो।